Welcome to the channel Bongo's Life, and I am happy to say that Bongo अब 6 months का हो गया. Yes, आपने टाइटल में पढ़ ही लिया होगा वीडियो के कि what we are going to discuss in this video, why deworming is necessary for dogs. So basically डिवॉर्मिंग इट्स वेरी नेसेसरी फॉर डॉग्स. उनमें कभी कभी ये हो जाता है कि डॉग्स अपना जैसे गंदगी खाने लगते हैं, उनके पेट में कीड़े हो जाते हैं, वो कभी अपना ही स्टूल पास करके अपना ही खाने लगते हैं, तो और मिट्टी भी खाने लगते हैं. जैसे ऊपर प्लांट्स वगैरह रूफ पे होते हैं आपके, तो उसकी मिट्टी वगैरह खाना, गंदे टायर चाटना या वो चप्पल का लगा हुआ गोबर खाना, ये सब समथिंग ऐसा करके वो गंदगी खाने लगते हैं. तो इन सब से अपने डॉग को प्रिजर्व करने के लिए टाइम टू टाइम डिवॉर्मिंग इज़ वेरी नेसेसरी. 6 महीने का हो गया, तो आज डेट है 8 जून. तो अब उसकी नेक्स्ट जो रिफॉर्मिंग होगी वो होगी 8-8 को, यानी जून जुलाई अगस्त अगस्त 8 अगस्त को होगी. तो ऐसे आप अगर क्लिनिक लेके जाते हैं अपने डॉग को, टाइम टू टाइम डिवॉर्मिंग करवाते हैं, तो आपके पास वैक्सीनेशन रिकॉर्ड एंड डिवॉर्मिंग रिकॉर्ड होता है, ऐसा समथिंग चार्ट होगा जिसमें आपको पता रहता होगा कि कब कब उसकी हुई थी या ड्यू जो आपकी होगी, तो आप उसमें देख के आप डिवॉर्मिंग करा सकते हैं. अच्छा, डिवॉर्मिंग के लिए इट्स नेसेसरी टू मतलब नो अबाउट योर डॉग वेट्स. तो आज पिछले टाइम के अकॉर्डिंग जब ये इसकी हुई थी मई में डिवॉर्मिंग, तो इसका वेट था 8.8 kg. नाउ इट्स 10.5 kg. तो इसके लिए वेट इट्स नेसेसरी टू नो अबाउट. तो वेट जानना ज़रूरी होता है आपके डॉग का, वेट के अकॉर्डिंग ही वो मेडिसिन प्रोवाइड करते हैं. जब ये छोटा था, 3-4 महीने तक था, तो इसको वो सिरप वाली देते थे. अब इसको मेडिसिन स्टार्ट हो गई थी वेट के अकॉर्डिंग, पहले उसको सिरप वाली देते थे. अब डॉक्टर ने बोला है कि इसकी 2-2 महीने बाद पे होगी, जैसे आज जून है, तो अब डायरेक्ट इसकी अगस्त में 8 अगस्त को डिवॉर्मिंग होगी. टाइम टू टाइम डिवॉर्मिंग कराना आपके ही डॉग के लिए, आपके ही या पपी के लिए, आपके पेट के लिए बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि वो हेल्दी रहता है, वो डर्ट नहीं खाता है. ऑब्वियसली जब वो डर्ट नहीं खाएगा, गंदगी नहीं खाएगा, तो वो हेल्दी ही रहेगा. तो इसलिए डिवॉर्मिंग इट्स वेरी नेसेसरी फॉर आवर पेट. तब से बोंगो आया है, तब से हम लोगों ने डिवॉर्मिंग कभी उसकी घर पर नहीं की है. आज हम लोग उसकी डिवॉर्मिंग घर पर करेंगे. हमेशा से वेट के पास ही लेकर गए हैं, हमेशा से, मतलब कुछ भी हुआ, इशू कुछ भी, कभी घर पे ट्रीट नहीं किया, हमेशा वेट को कंसल्ट करके उनके ही अकॉर्डिंग उन्होंने जो भी बताया वैसा किया. बट में उसको क्लिनिक लेकर गए थे, वेट के पास लेकर गए थे, पर बोंगो आज बहुत ज़िद कर रहा था. वो बिल्कुल भी मतलब मेडिसिन खा ही नहीं रहा था. तो वेट कंसल्टेड डेट कि उनको आप घर पे ही मतलब आप अपने हिसाब से उसको दवा खिला दीजिए डिवॉर्मिंग की जो भी होती है. तो दिस इज़ द मेडिसिन एंड इट इज़ कॉल्ड की वो प्लस डिवॉर्मिंग मेडिसिन दिस. तो I'm going to give him his medicine. I don't know. I have no idea कि वो खाता भी है ठीक से, यानी हम पूरी कोशिश करेंगे कि उसे अच्छे से खिला पाए, पर आप जानते हैं कि बोंगो कितना मस्ती करता है, या क्या पता वो शांति से चुपचाप खा भी ले. तो I really don't know. Let's see. Sit. Bongo, come. Sit. Shake hands. तो हमारे बोंगो ने कुछ भी शैतानी नहीं करी, चुपचाप आराम से खा लिया. ये बोंगो, हाय, ये बोंगो डिवॉर्मिंग इज डन.